और आपको बताने की कोशिश करें तो कौसाम्बी में एमएलसी सीट के लिए मतगणना जारी। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पहले राउंड में डॉक्टर केपी श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केपी श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं, सपा के वासुदेव यादव काफी पीछे चल रहे हैं। यानी एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से दबदबा देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। कौसाम्बी एमएलसी सीट के लिए मतगणना इस वक्त जारी है और मतगणना के पहले राउंड में ही डॉक्टर केपी श्रीवास्तव आगे चल रहे हैं। एमएलसी में 27 सीटों के लिए आपको बता दें कि मतगणना हो रही है और 9 सीटों पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध है, वो जीत चुकी है। हालांकि एमएलसी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का दबदबा रहता है, लेकिन बीएसपी के जब विधानसभा बीएसपी सरकार में आई थी तब सपा और भाजपा ने काफ़ी मात्रा में अपने एमएलसी जिताए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एमएलसी यानी विधान परिषद के क्षेत्रों में भी अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और शायद इस बार एमएलसी के इन चुनाव के बाद विधान परिषद में उन्हें स्पष्ट बहुमत भी मिल जाएगा जो